नक्सलवाद विरोध रे हेबो आर पार लढ़ई बड़ ऑपरेशन पई केंद्र सरकार को बड़ प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में मुतयन हेबे अधिक संख्यक केंद्रीय फोर्स ओडिशा रो जाई पारंती 3000 रु अधिक केंद्रीय सुरक्षा बाहिनी कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है, मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है, प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए। देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा प्रति विपद उग्रवाद और वामपंथी विरोध में आर पार लड़ाई को आहुरी जोरदार करने को कहते अमित शाह। गत 10 वर्ष में देश में 52% कमी, नक्सल हिंसा नक्सल आक्रमण जनित मृत्यु 70% कमी, देश में माओ उपद्रुत जिला संख्या 96 खसी 45 पहुंची। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं, नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। नक्सल विरोधी बड़ ऑपरेशन पर ओडिशा रे मुतयन थिबा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ 3000 जवान को तुरंत छत्तीसगढ़ बस्तर अभिमुखे मार्च करने को कहा जाय छि। विशेष सूत्र खबर मिली मलकानगिरी रे थिबा एक बटालियन बा 1000 बीएसएफ जवान को छत्तीसगढ़ में मुतयन करा। एबे ओडिशा रो कोरापुट मलकानगिरी और कंधमाल जिला रे मुतयन अछंती मोट 8 बटालियन बीएसएफ जवान। निकट रे मलकानगिरी तुलसी पहाड़ रे खोला जाय छि एक बीएसएफ कैंप, सेपरि सीआरपीएफ 8 बटालियन रो जवान भी नक्सल मुकाबला पई राज्य रे अछंती। रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी नुआपड़ा बरगढ़ बलांगीर सुंदरगढ़ नवरंगपुर जिला रे एमानको मुतयन करा जाय छि। छत्तीसगढ़ नारायणपुर राजनांदगांव वो कोंडागांव अंचल रे एबे आईटीबीपी रो 8 बटालियन मुतयन अछंती। एमानको मध्यरो गोटिए बटालियन को अबुजमत जंगल रो आभ्यंतर को प्रवेश करबा को निर्देश दिया जाय छि। सेपरि बीएसएफ मध्य नारायणपुर रे 6 नुआ कैंप प्रतिष्ठा पई निर्देश आसीथिबा जणा पड़ि छि। माओ विरोधी ऑपरेशन रे बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी जवान को सह राज्य कमांडो शामिल हेबे। ओडिशा रे माओवादी को समस्या केतक अंश रे ह्रास पाइथिबा बळे आमर मालकानगिरी पड़ोसी जिला जोड़ा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राज्य रे माओवादी मानकर हिंसा एबे भी जारी रही जहाँ आम शुणा को पाछ माओवादी को दमन करने केंद्र सरकार एबे जोरदार अंटा भिड़ी राज्य जो सीमांत सुरक्षा बाहन मानू नियोजित करने योजना चली थी जहाँ आम शुणा को पाछ। नक्सल विरोधी ऑपरेशन रो मुख्य टारगेट रे रहिछि छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिलार 4000 वर्ग किलोमीटर अंचल। अबुजमत मामद जंगल भाव में परिचित यह अंचल 237 गाँव में रोचान्ति प्राय 35000 आदिवासी। ए अंचल रे रहिछि लाल बाहिनी रो दबदबा। यही अंचल रो ही समग्र देशर नक्सल कार्यकलाप को नियंत्रण करुछन्ति सीपीआई माओवादी संगठन रो केंद्रीय नेता। एवं छत्तीसगढ़ आंध्र और आंध्र ओडिशा सीमांत में सक्रिय थिबा नक्सल क्याडर माने मुख्यतः छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल रे प्रशिक्षित होउछन्ती। वर्तमान छत्तीसगढ़ रे जो नक्सलवादी जो उग्र रूप धारण करिछि ताकू वर्तमान केन्द्र सरकार एक चैलेंज मूड रे नेइछि। ता अति शीघ्र अमित शाह कहते तार दृढ़ जवाब दिजिव और मूलपोच कर दिजिव तेणुक केन्द्र सरकार जो नक्सलवादी बा जो हिंसावादी एग्नेस्ट रे एक एक बड़ पदक्षेप तेणुक अंचल शांति आणवाई अमित शाह जो पदक्षेप निश्चित भाव में स्वागत योग्य। सीपीआई माओवादी संगठन सबुठ अधिक प्रभावशाली और सक्रिय जोन दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी नेतृत्व में एवं 800-900 दुर्दांत क्याडर या सूचना मिली। ओडिशा रे अनेक वरिष्ठ कमांडर निहत होगा पर केवल कंधमाल कलाहांडी बौद्ध नयागढ़ डिविजन केकेबीएन रो क्याडर माने सक्रिय अछंती। एही डिविजन रे मात्र 242 जन क्याडर थिबा बळे एमानको मध्यरु अछंती 13 जन ओडिया अन्य समस्त छत्तीसगढ़ रो। तेणु एपरि समय रे लाल बाहिनी को संपूर्ण निपात करबा
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କରିଛି ଯୋଜନା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।